Hello, good morning students. How are you all fine? I hope you are fine at home. Today we are going to learn our Viva reference book. Okay, this is the story, lesson number 5. This is the story of Aladdin and the Magic Lamp. Okay, students, take out your page number 54. Now, first we have introduced this story of scene number 1. हमने scene number 1 देखा है. Now, this is going to scene number 2. ये कौन सा सीन चल रहा है? 2. First में हमने पहले देखा था ना कि अलादीन और उसके अंकल नैरो वैली थी, वहां पर आए, फिर वहां पे लाइट फायर किया, फिर वहां उसने मैजिकल पाउडर डाला, फिर एकदम से अर्थ क्या होने लगा? शिवरिंग शेक होने लगा. और उसके बाद क्या हुआ? बिग स्क्वायर स्टोर वहां पे था, वो मूव हुआ वन साइड, और वहां पे स्टेयर्स केव था, वहां पे स्टेयर्स आए, और स्टेयर्स के अंदर फिर क्या हो रहा है? अलादीन जा रहा है. ओके, नाउ हियर अलादीन सेज यस अंकल, गोस डाउन एंड एंटर एन एनॉर्मस केव. और फिर वहां पे जो केव थी ना, वहां पे अलादीन अलादीन के अंकल बोल रहे थे गो डाउन, इसमें नीचे जाओ स्टेयर पे. तो अलादीन ने क्या रिप्लाई दिया? His uncle outside the cave.
वहां से वो बोल रहे थे भैया bring me the lamp quickly, मेरे पास वो लैंप लेकर जल्दी आओ. अलादीन से अलादीन ने क्या बोला, I am coming uncle, अंकल मैं आ रहा हूं, I am coming, I have the lamp, लैंप मेरे पास ही है. starts climbing up the stairs, और फिर वो इतना बोलते क्या करने लगा, climb करने लगा, चढ़ने लगा स्टेयर्स को, चढ़ने लगा. I will give it to you. मैं वो आपको देने ही वाला हूँ. I will give it to you. But first, let me come out into the open air. वो क्या बोल रहा है? मैं वो lamp आपको देने ही वाला हूँ. But first, let me come out. मुझे पहले बाहर आने दो. Into the open air. ये fresh air है. क्योंकि वहाँ पे क्या था? बहुत ही darkness था. था तो वो बराबर से देख भी नहीं पा रहा था. तो वो क्या बोलता है अलादीन, मैं पहले बाहर ओपन स्पेस में आ जाऊं, उसके बाद मैं आपको लैंप देता हूं. विजार्ड सेज यू वीक बॉय, वहां से विजार्ड क्या बोलता है, तुम बहुत ही चालाक हो, गिव इट टू मी एट वंस, तुम मुझे वो तुरंत ही दे दो, और आई विल पनिश यू, नहीं तो मैं तुमको क्या करूंगा, पनिश करूंगा, पनिशमेंट दूंगा. अलादीन तो उसको देने ही वाला था, तो भी विजार्ड जो अंकल थे उसने वो क्या बोल रहे, तुम बहुत चालाक लड़के हो, गिव इट टू मी, वो मुझे तुरंत ही दे दो, और आई विल पनिश यू, नहीं तो मैं तुमको क्या करूंगा, पनिश करूंगा. आई विल शट यू अप इन द केव, और मैं तुम्हें केव में ही बंद कर दूंगा, केव के अंदर ही था ना वो, तो मैं तुमको केव में ही बंद कर दूंगा. अलादीन सेज आई वांट गिव यू द लैंप, वो सुनकर विजार्ड अकबर की बात सुनकर फिर अलादीन क्या रिप्लाई करने लगा, अलादीन ने क्या बोला, आई वांट गिव यू द लैंप, अब मैं तुमको ये लैंप नहीं दूंगा. फिर अलादीन ने क्या बोला, नाउ आई विल आई वांट गिव यू द लैंप, अब मैं तुमको लैंप विजार्ड से एंग्रीली, और ये सुनकर ही अंकल को एकदम से गुस्सा आ गया, और एंग्रीली गुस्सा के साथ ही वो बोलने लगे, देन स्टे इन द केव, फिर क्या बोलने लगे, देन स्टे इन द केव, तुम केव में ही रहो. थ्रो सम मैजिक पाउडर ऑन द स्क्वायर स्टोन एंड शाउट्स अ स्पेल, और फिर उसने क्या किया, अंकल ने जो मैजिक पाउडर था ना वो स्क्वायर स्टोन पे थ्रो किया, और फिर ऐसे मैजिकल वर्ड्स बोलने लगे, द स्टोन मूव्स एंड शट द केव, और फिर क्या हुआ, जो बड़ा सा ब्रिक स्टोन था ना वो मूव हो गया और केव बंद हो गई. आई कैन नॉट गेट द लैंप माइसेल्फ, और फिर क्या बोलता है कि वो मुझे लैंप नहीं मिला, Someone has to get for me, और मुझे किसी को भेजना पड़ेगा वो लैंप लाने के लिए. If I try to get it, अगर मैं try करता हूँ वो लाने का, I will die, क्या I will die, मैं मर सकता हूँ, यानी मैं वो try करूँगा अपने आप लाने के लिए लैंप, तो मैं मर सकता हूँ, तो मुझे किसी और को भेजना पड़ेगा वो लैंप लाने के लिए. Now students, his uncle has gone. उसके अंकल क्या हो गए? चले गए. Now Aladdin says, I can't get out. Aladdin क्या बोल रहा है? I can't get out. मैं अब बाहर नहीं जा सकता. Help, help, uncle. Why have you shut me in? और वो क्या बोल रहा है? Help, uncle. Help. Why have you shut me in? मुझे क्यों अंदर बंद किया है? So big. Oh. What shall I do? और फिर वो घबराने लगा और फिर बोलने लगा, What shall I do? Because there was darkness. वहाँ पे क्या था? बहुत ही अंधेरा था. If I light this old lamp, अगर मैं ये old lamp को light करता हूँ, जलाता हूँ, I may find my way out. तो मुझे क्या होता है? बाहर जाने का रास्ता मिल सकता है. I may find my
takes the lamp and rubs it on his sword. और फिर उसने क्या किया, वो लैंप को लिया जलाने के लिए. तो फर्स्ट उसको क्लीन करने के लिए अलादीन ने क्या किया, वो लैंप को लिया और अपने जो शर्ट थी ना उससे रब करके साफ करने लगा. Takes the lamp and rubs it on his shirt. और उसकी शर्ट में वो रब करने लगा. At that time, और वो टाइम पे क्या हुआ, और जीनी अपीयर्स. और उसमें वो लैंप में से क्या निकला, जीनी निकला. सी हियर इन दिस या वो सी दिस इज जीनी, दिस इज जीनी. ही कम आउट फ्रॉम लैंप. और वो का किस में से निकला, लैंप में से निकला. जीनी से और फिर जीनी बोलने लगा. जीनी ने क्या बोला, आई एम द सर्वेंट ऑफ द लैंप. मैं ये लैंप का सर्वेंट हूँ. रहते हो, आपकी मम्मा भी आपको ये
सिखाती है ना नेवर टॉक विद स्ट्रेंजर. हमको भी तुम्हारे भी मम्मा आपको सिखाती होगी ना कि कोई भी स्ट्रेंजर इंसान से पर्सन से बात करना नहीं है. वैसे ही जरीना अलादीन की मदर अलादीन को सिखा रही है और बोल रही है रिमेंबर वन थिंग, याद रखो एक बार, नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर, नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर, कोई भी अननोन पर्सन से आपको बात करना नहीं है. एंड टेल देम वेयर यू लिव, और ये भी बताना नहीं है कि कहां पे आप रहते हो. अलादीन से यस मदर, अलादीन ने क्या बोला, हां मम्मा आई विल रिमेंबर दैट, मैं ये याद रखूंगा. उसने बोला, अलादीन ने बोला यस मम्मा मैं ये बात याद रखूंगा कि कोई भी स्ट्रेंजर से मुझे बात नहीं करना है. अलादीन बिकम वेरी रिच विथ द हेल्प ऑफ जीनी, और जीनी की हेल्प से अलादीन कैसा हो गया, वेरी रिच, बहुत ही पैसे वाला हो गया विद द हेल्प ऑफ जीनी. जीनी की हेल्प से ही हुआ ना, क्योंकि वो केव में गया था, वहां से बहुत सारा गोल्ड कॉइंस और वो सब लेकर किसकी हेल्प से वो अपने घर पे आया, जीनी की हेल्प से. जीनी ने ही उसका हेल्प किया ना. तो अलादीन बिकम वेरी रिच विथ द हेल्प ऑफ जीनी, तो अलादीन बहुत ही रिच हो गया हेल्प ऑफ जीनी, जीनी की हेल्प से. ही एंड हिज मदर लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और उसके बाद में अलादीन और उसकी मदर दोनों क्या बहुत खुशी से वो वहां पे रहने लगे. सो स्टूडेंट्स डू यू लाइक दिस स्टोरी, आपको ये स्टोरी पसंद आया ना, कैसा है स्टोरी, दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, आपको पसंद आया होगा. सो स्टूडेंट्स टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन नंबर 5 अलादीन एंड द मैजिक लैंप. ओके स्टूडेंट्स, सो कीप प्रैक्टिस एट होम. थैंक यू.